बच्चों गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक है संवेग संरक्षण के नियम के अनुप्रयोग, ठीक है। जैसे गोली चलाने पर पीछे की ओर झटका मारना, तो जब गोली चलाते हैं तो पीछे की ओर झटका मारता है तो उसमें संवेग जो होता है संरक्षित रहता है। अब कैसे रहता है मैं आपको बता रहा हूँ। ये बंदूक है, ये बंदूक जो है इसका द्रव्यमान क्या है, इस कैपिटल एम लिया हुआ है, और इस जो बंदूक है पीछे की ओर जब आएगी उसका जो वेग लिया हुआ है वी लिया हुआ है, कैपिटल वी, ये कैपिटल वी। और जो गोली से चलेगी हम जब ट्रिगर दबाते हैं तो इसका जो वेग लिया है स्मॉल वी लिया हुआ है, और जो गोली है उसका द्रव्यमान क्या लिया हुआ है, स्मॉल एम लिया हुआ है, ठीक है। तो संवेग कंजर्व कैसे रहता है, देखो कि गोली चलाने से पूर्व जो संवेग था, गोली चलाने से पूर्व संवेग और गोली चलाने के बाद का संवेग, क्योंकि जैसे हमने पहले पढ़ चुके हैं संवेग संरक्षण का नियम, तो टकराने से पूर्व संवेग, टकराने के बाद संवेग। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है, कंडीशन यहाँ पर यह है कि गोली चलाने से पूर्व संवेग, गोली चलाने के बाद संवेग, ठीक है। तो गोली का कुल संवेग कितना हो जाएगा और बंदूक का कुल संवेग कितना हो जाएगा, तो गोली का संवेग मतलब संवेग क्या होता है आपका, पी बराबर एम इंटू वी, द्रव्यमान इंटू वेग। तो गोली का संवेग है तो गोली का द्रव्यमान तो गोली का वेग आएगा, ठीक है। गोली का द्रव्यमान कितना है, गोली का द्रव्यमान जो है आपका, गोली का द्रव्यमान कितना है, गोली का द्रव्यमान स्मॉल एम है, गोली का द्रव्यमान स्मॉल एम है, गोली का वेग कितना है, स्मॉल वी है, ठीक है। बराबर बंदूक का द्रव्यमान क्या आएगा, बंदूक का द्रव्यमान क्या है, कैपिटल एम है, प्लस इंटू बंदूक का प्रतिक्षिप्त वेग यानी कैपिटल वी। यानी प्रतिक्षिप्त वेग का मतलब बच्चों यहाँ पर यह है कि जिस वेग से क्या आता है बंदूक पीछे की ओर आता है उसको बोलते हैं बंदूक का प्रतिक्षिप्त वेग, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है आपका, संवेग क्या रहता है, कंजर्व रहता है, यानी संवेग क्या रखता है, क्या रहता है आपका, संरक्षित रहता है, ठीक है। तो ये जो बंदूक का पीछे आना होता है वो क्या होता है आपका, संवेग संरक्षण के नियम का अनुपालन करता है।